आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक ने भी उपस्थिति देकर उपस्थित जनमानस को किया संबोधित और दी शुभकामनाएं। आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को आदिवासी बाहुल्य ग्राम करानिया में मनाया गया। यह आयोजन भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष योगदान को सम्मानित करने और आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम करानिया में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों जनजाति के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और उपस्थित जन समुदाय को बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया और क्रमानुसार उपस्थित क्षेत्र विधायक का श्रीमती झुमा सोलंकी, खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा नेत्री व सांसद प्रतिनिधि नंदा ब्राह्मणे ने बिरसा मुंडा की जीवनी एवं शिक्षा से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर दिवस के महत्व के बारे में उपस्थित जनमानस को जनजाति आदिवासी मूल निवासी और जल जंगल और जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर विशेष रूप से जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, क्षेत्र विधायक झुमा सोलंकी, सांसद प्रतिनिधि नंदा ब्राह्मणे, आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष माल सिंह मंडलोई, चिड़िया मंडल अध्यक्ष बिहारी मोरे, झिरनिया मंडल अध्यक्ष ममराज पवार, जनपद अध्यक्ष संगीता तेर सिंह नारवे, उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, मालू रंधावे, हरदास रंधावे, अनार सिंह मोरे, भाजपा पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष केसरीमल जायसवाल सहित क्षेत्र के समस्त आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मीडिया प्रभारी रूपेश मोरे ने किया और आभार सरपंच प्रेम पटेल ने माना। आजाद न्यूज के लिए झिरनिया से सेठी हिरवे की रिपोर्ट।